दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में गुरुवार की दोपहर हवाई फायरिंग और मारपीट की घटना से हॉस्टल में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर एसपी सिटी विनय कुमार सिंह और विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद विवेकानंद छात्रावास पहुंचकर घटना का जायजा लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोरखपुर विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र अमर पासवान गुरुवार की दोपहर किसी काम से विवेकानंद छात्रावास पहुंचा था, जहां पहले से ही घात लगाए कुछ अज्ञात युवकों ने उसके साथ मारपीट की और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल अमर पासवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। घायल अमर पासवान की पत्नी अनुप्रसाद ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा पिछले 3 माह से उसे मारपीट करने की धमकी दी जा रही थी। उसी व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर आज इस घटना को अंजाम दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने कहा कि अमर पासवान वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है, इसके बावजूद छात्रावास में इसका आना जाना बराबर बना रहता है। वहीं घटना के संबंध में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि घायल अमर पासवान पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अभियुक्त की तलाश की जा रही है। दरअसल ये मामला आज से 3 महीने पहले का है। 3 महीने पहले हितेश सिंह जो यहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर हितेश सिंह को सब लोग बोलते हैं हॉस्टल में, तो उनसे और इनकी कोई कहा सुनी हुई थी हॉस्टल में, ये इनका आपसी मामला था। उसके बाद हितेश सिंह का बहुत ही एक चैनिटी हुई सुजीत सिंह साहित्यवार थे, वो मेरे पास मैसेज करके मुझे धमकी देने लगे कि आपके पति द्वारा जो भी कार्य किया गया है उससे आपका राजनीतिक करियर हम लोग खराब कर देंगे, आपको विश्वविद्यालय में चलने नहीं देंगे, आपका राजनीतिक पॉलिटिकल करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर उस टाइम मैं दिल्ली में थी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बात जब मुझे पता चली, मैंने बात की, तो ये हुआ कि भाई हितेश सिंह और अमर सिंह पासवान और इन लोग का आपसी मामला था, कोई जो भी था, ये बात किसी को पता नहीं, एक बंद कमरे की बात थी। उसके बाद ये बात खत्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद, उसी के कुछ दिन बाद से पासवान जी के पास, अमर सिंह पासवान के पास चंदन सिंह बनके लोग फोन करने लगे कि तुम बहुत बड़े गुंडा हो गए हो, तुम्हें हम चलने नहीं देंगे, तुम्हें हम जान से मार देंगे। जब इनको ये पता चला कि किसी चंदन सिंह ने इनके पास फोन किया, तो ये इसमें कैंट पर जाके तहरीर देने वाले थे, मगर तब पता चलता है कि वो चंदन सिंह नहीं, क्योंकि सुजीत सिंह साहित्यवार जो था वही चंदन सिंह बनके इनको धमकी दे रहा था। उसके बाद ये मामला, फिर जब इन्होंने सुजीत से कई बार बात करने की कोशिश की, आखिर बात क्या, फोन पे एक बार बात भी हुई, उन्होंने साफ कहा कि देखो जो मामला है मुझसे है, इसमें मेरी पत्नी को बीच में मत लाओ, वो वहाँ पे पढ़ती है, पढ़ाती है, राजनीति करती, वो उसका अब अलग चीज है, इसमें कोई उसका लेना देना नहीं है। उसके बाद भी ये लोग कहीं से रुके नहीं, कई बार विश्वविद्यालय में मेरे कई सारे कार्यों में लोग विघ्न डालते रहे, मुझे मेरे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह गलत गंदा गंदा कमेंट करते थे मेरे खिलाफ, तो इसी को लेकर ये काफ़ी दिनों से परेशान थे। और फिर आज सुबह मुझे पता चला ये हॉस्टल गए थे, क्योंकि ये इनका रोज का है हॉस्टल, वहाँ आना जाना, तो आज वहाँ गए, वो अकेले थे, तो मुझे पता चला सुजीत सिंह साहित्यवार और उनके 2 साथी और थे, जिनको अकेला, इनको अकेला पाके इनको मारे, रॉड से मारे, सर पे इनको 3 चोट लगी है, टाका लगा है, नाक से खून बह रहा है, और इनके प्राइवेट पार्ट पे भी इन्होंने मारा। और मारते मारते इनके आम मानवीय व्यवहार ये थी कि इनका वीडियो तक बनाया गया कि हम अमर सिंह पासवान को मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा को लेकर, कहाँ परेशान है भाई?
अरे भैया बैठ गया तो महेंद्र बटल लो पकड़ लिया और सर हॉस्टल में गोली चलने की मामला सामने आया, क्या है ये पूरा? अभी गोली एक दो राउंड चलने की सूचना मिल रही है। अमर पासवान है, वो विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं है और सुनने में आ रहा है कि विवेकानंद छात्रावास के तरफ आ रहे थे तो उनको कुछ लड़कों ने, अब ये चिन्हित नहीं हुआ कि वो छात्रावासी, तो लड़के तो कह रहे हैं छात्रावासी नहीं है, वो बता रहे हैं कि कोई बाहरी थे दो तीन लड़के, उनको मारे पीटे हैं बुरी तरीके से, उनका मुंह फटा है शायद, जो है खून बह रहा है दिखाई दे रहा था, पुलिस ने उनको मेडिकल के लिए जो है भेज दिया है और फायरिंग की जो है अभी जांच जो है एसपी सिटी साहब मौके पर मौजूद हैं, हमारे साथी हैं, देख रहे हैं। विवेकानंद छात्रावास के पास में एक अमर सिंह पासवान नाम के व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में एनरोल नहीं है, अक्सर विश्वविद्यालय में घूमते रहते हैं, आज अराजक तत्व उनको पकड़ के उनके साथ मारपीट किया है। प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता था कि चोट उनको किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है और यहाँ के कुछ चश्मीन साक्षियों ने बताया है, प्रत्येक दर्शियों ने, कि यहाँ पर कुछ हवाई फायरिंग भी हुई है और मौके से दो तीन खोखा राउंड बरामद किए हैं। सर बताया जा रहा मारपीट के बाद जो हमलावर थे उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई है इसके साथ। अब हम लोग यहाँ सीसीटीवी फुटेज संभाल रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है, अराजक तत्व विश्वविद्यालय के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जिसको चोट लगी है विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में एनरोल नहीं है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, हम लोगों ने इनको गुंडा एक्ट का चलन प्रचित किया हुआ है।